चार क्वेश्चन करने हैं, नाइन्थ पूरी और टेंथ के चार, फटाफट स्टार्ट हो जाओ नाइन्थ शीट से बस। ठीक है, ठीक, किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा करें, मैं प्रिंट आउट दे देता हूँ। कितने, एक दो और चार,
ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है, ई वेक्टर पता है और एरिया वेक्टर अगर कोई लूप या कोई भी एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन यानी कि के कैप में होगा। आंसर डॉट प्रोडक्ट लेना है ठीक, इसलिए के कैप आएगा क्योंकि अगर प्लेन एक्स वाई प्लेन में है तो के कैप में एरिया वेक्टर मिलेगा आपको। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर आपको एक सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसका एक्सिस ई वेक्टर के साथ अलाइंड है, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करनी है कि जो ये वाला सरफेस, ये सरफेस इसमें तो देखो फ्लक्स हर हालत में जीरो ही हो और इसमें एरिया वेक्टर इसके साथ जाएगा, ई वेक्टर तो राइट ही आ रहा है तो इसमें एरिया वेक्टर कहां आएगा, लेफ्ट। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, देखो ये एक सिलेंडर है, ई वेक्टर ये जा रहा है इस तरफ, ये रहा ई वेक्टर, यहां एरिया वेक्टर ये रहा, यहां पे एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका जो फ्लक्स है डीएस और ई वेक्टर के बीच में एंगल इज 90 तो इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो। टोटल फ्लक्स क्या होगा यहां से, ई डी एस कॉस ऑफ 180 और यहां से क्या होगा, ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक, क्योंकि एक एंगल जीरो तो एक 180। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, बोलो। सिलेंडर ऐसे होता तो फिर ई भी ऐसे होता, ई डी एस, तो बोर्ड को ऐसे घुमा देता हूं ऐसे उल्टा वाई एक्सिस में, तब भी तो आंसर सेम ही है क्योंकि ये ई और डी एस में एक एंगल जीरो 180 तब भी बनेगा, जैसे मर्जी रख लो आंसर सेम है। मैं कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है, इसका करेक्शन कह रहा हूं, इसमें नॉन जीरो करो प्लीज क्योंकि ओपन है, ओपन सरफेस में क्यू यहां भी जाएगा, क्यू यहां नीचे से निकल आएगा तो दो बार कट नहीं करेगा ना, एक ही बार कर रहा है तो नॉट जीरो है। इस केस में नॉट जीरो है क्योंकि ओपन है अगेन, इस केस में नॉट जीरो है क्योंकि अंदर चार्ज है, अंदर वाला चार्ज तो हर हालत में फ्लक्स लगाएगा, इस केस में जीरो है क्योंकि बिल्कुल क्लोज बॉडी है, नीचे से डिस्क है ढकी हुई है और चार्ज बाहर है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में गॉस थ्योरम लगेगी, फ्लक्स इज क्लोज बॉडीज है दोनों की दोनों, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर कितना चार्ज है ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है जो इसके अंदर लाई कर रही है, डायगनल जितनी, डायगनल क्यूब का क्या होता है, रूट थ्री ए, तो लैमडा का मतलब चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, लैमडा इंटू रूट थ्री ए बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसी तरीके से इसमें कितनी लेंथ लाई कर रही है, 2a ट्वाइस दी डायमीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से, तो लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो यहां से 5152 की रेशियो आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, तो फाई की वैल्यू में कुछ नहीं करना आपको, ये देखना है कि कितनी लेंथ लाई करती है बॉडी के अंदर, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, फिर से, इसमें इसके अंदर कितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ वाइज, तो लैम्डा, लैम्डा को इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो अंदर लाई कर रही है क्योंकि जो चार्ज बाहर चला गया वो नहीं चाहिए हमें, अंदर लेंथ कितनी है रूट थ्री ए, तो चार्ज कितना हुआ रूट थ्री ए इंटू लैम्डा, इसमें अंदर लेंथ कितनी है टू ए इंटू लैम्डा, 5152 कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ना डिस्क है, एक डिस्क ऑफ रेडियस आर के 4r डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है क्यू, ठीक है, इस क्यू चार्ज, ये जो डिस्क है इसके ऊपर जो क्यू चार्ज है वो इसमें फ्लक्स दे रहा है, फ्लक्स लगा रहा है हर तरफ लगा रहा है, पर डिस्क का फ्लक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, फाइव गिवन है। वो ये कह रहा है कि सेकेंड केस में अगर मैं इसको ढक दूं एक शेल के साथ, ये क्लोज बॉडी होगी पूरी तरीके से, ढकने से क्या हुआ, क्यू चार्ज ऊपर रह गया और ये पूरी बॉडी क्लोज हो चुकी है, तो पूरा फ्लक्स क्लोज बॉडी का क्या आएगा इसमें, जीरो, क्योंकि अंदर तो चार्ज रहा नहीं, चार्ज तो बाहर चला गया। तो कह रहे हैं कि बताओ हेमिस्फेयर का
फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा? देखो मुझे ये पता है कि टोटल फ्लक्स आना चाहिए जीरो, और ये क्यू चार्ज डिस्क में कितना फ्लक्स लगा रहा था? फाइव। तो पक्की बात है शेल का फ्लक्स क्या आएगा? माइनस फाइव, तभी तो आंसर क्या आएगा? जीरो। फिर एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा दूसरे बैच में अभी, वो कह रहा है ये क्या चक्कर हुआ, आप तो कह रहे थे कि अगर चार्ज बाहर है तो टोटल फ्लक्स क्या आना चाहिए? जीरो। तो फिर शेल का फ्लक्स कैसे आप बात कैसे कर सकते हो शेल की फ्लक्स की? कितने लोग यही सोच रहे हैं कि हर हालत में दोनों बॉडीज का जीरो आना चाहिए, नहीं सोच रहे? देखो क्यू चार्ज है, ये हेमिस्फीयर है और ये डिस्क है, तो जब लाइंस दोनों में क्रॉस करेंगी, एक में इनकमिंग फ्लक्स है एक में आउटगोइंग फ्लक्स है। अब इनकमिंग फ्लक्स अगर मान लो फाइव का है तो आउटगोइंग इसमें माइनस फाइव का होगा, तभी नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इंडिविजुअली तो दोनों बॉडीज का फ्लक्स है, पर टोटल फ्लक्स मिला के क्या आएगा? जीरो। अब वो ये कह रहा है कि जब दोनों इकट्ठी हो गई तो ये क्लोज बॉडी बन गई, और क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्क है उसका फ्लक्स फाइव है, तो पक्की बात है शेल का फ्लक्स क्या होगा? माइनस फाइव, तभी नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कैसे सोचना है इसे? ठीक, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए आपको ना जान के बॉडीज अलग अलग शेप की दिखा रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, देखने में बड़ा है पर है क्यू चार्ज। ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर भी कह रहा है क्यू चार्ज है, देखने में बड़ा है पर है क्यू चार्ज। तो अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस इसके बाहर लूं, इसका फ्लक्स क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन के अंदर क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स तीनों में क्या रहेगा? सेम, इरिस्पेक्टिव कि कोई कितना देखने में बड़ा लगता है। तो जब तक गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू भी सेम है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसको क्वेश्चन को करने के लिए ये प्रूफ नहीं लिखना, मैं आपको किसी और तरीके से करवाता हूं। इस सॉलिड स्फीयर है और जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो सॉलिड स्फीयर के बाहर ई का फॉर्मूला हमने किया था, कितना? क्यू बाय आर स्क्वायर। किया तो रो की फॉर्म में था, पर अगर मैंने कहा था क्यू की फॉर्म में आया तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर ऐसी सरफेस के ऊपर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके इनसाइड क्या किया था? रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये तीन फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किए थे। ठीक है यहां तक? तो मेरा ये जो केस है, पहला केस है कि इसमें क्यू चार्ज है और P पॉइंट R डिस्टेंस पे है। तो अगर इसमें Q चार्ज है तो बोलो E का फॉर्मूला यहां पर क्या लगेगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय छोटा r स्क्वायर। पहला केस क्लियर है? दूसरे केस में वो कह रहा है कि इस केस में P इसके ऊपर ही है, और कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल R की जगह उसने रेडियस का सिंबल सेकंड केस में स्मॉल r ले लिया। तो अगर इसमें Q चार्ज है तो E का सरफेस के ऊपर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, टोटल चार्ज बाय रेडियस का स्क्वायर। अब बाय चांस रेडियस बड़ा r नहीं दे रहा, छोटा r ही दे रहा है, तो ठीक है, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी वही आंसर आएगा, इसके ऊपर भी वही आंसर आएगा, क्योंकि इस केस में से स्फीयर बड़ा कर दिया और स्फीयर का रेडियस कितना कर दिया? छोटा r। तो हमने भी रेडियस का स्क्वायर पुट कर दिया इसमें। ये भी क्लियर है? तो वन और टू में आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। अब नेक्स्ट केस थ्री और फोर। थ्री और फोर के केस में क्या फर्क है? कि थ्री और फोर के केस में ये आर डिस्टेंस है, पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट में आर डिस्टेंस है। ठीक, तो यहां पर अब स्फीयर के अंदर फॉर्मूला लगना है। स्फीयर के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन। तो दोनों के अंदर देखने में फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, तो कायदे से क्योंकि पी पॉइंट सेंटर से दोनों फिगर में स्मॉल आर दूरी पे है, तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम। पर फिर भी आंसर डिफरेंट है, बोलो क्यों? ना बिल्कुल, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। रो रो में फर्क है। क्यों? क्योंकि एक का वॉल्यूम बड़ा है, एक का वॉल्यूम
तो डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय वॉल्यूम, चाहे चार्ज सेम है लेकिन वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है, तो रो और रो डैश, तो आंसर विल नॉट बी सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आर तो उसने सेम रखा दोनों केस में, स्फीयर के अंदर वाला फॉर्मूला यूज करना है, पर रो के बारे में डिस्कशन नहीं की, पर हमें समझ में आ रहा है एक बड़ा स्फीयर है एक छोटा स्फीयर है, तो डेंसिटी में फर्क रो में फर्क होगा, इसलिए आंसर में फर्क होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? और मैंने जैसा कि बोला था इसके चार क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन साथ साथ देखो, गॉशियन सरफेस एस एनक्लोजेस टू चार्जेस, ये चार तीन चार्ज मेरे को दिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सारे के सारे चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ ई वन वेक्टर ई टू वेक्टर एंड ई थ्री वेक्टर, सॉल्व करने को नहीं कह रहा, वेक्टर में पूछ रहा है ऐसी छोड़ दो, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन रेडियली आउटवर्ड और एक स्फीयर है, देखो वो कह रहा है एक स्फीयर है, स्फीयर के केस में ई की वैल्यू रेडियली बाहर की तरफ है और जिसकी वैल्यू कितनी है, ए इंटू आर नॉट या गामा नॉट जो मर्जी बोल लो, आर नॉट कह लो, ये ई की वैल्यू है। अब वो ये कह रहा है कि ई की वैल्यू मुझे पता है और द चार्ज कंटेंट आपको बताना है कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो मुझे समझ में आता है कि फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ई इंटू एरिया, इंटीग्रेशन करेंगे डीएस 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 तो क्या आएगा पूरा एरिया, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, A इंटू आर नॉट, एरिया स्फीयर का क्या होगा 4 पाई आर नॉट का स्क्वायर, ऑप्शन मार्क कर लो आंसर, कुछ भी नहीं किया, फ्लक्स निकाल दिया, फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फ्लक्स क्या होता है E इंटू टोटल एरिया, ठीक है ना, E मुझे पता था, एरिया स्फीयर का क्या होगा 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, क्लियर है यहां तक? ये तो क्वेश्चन किया हुआ हमने सिलेंडर वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था याद करो, साइड में लिख के दिया उसमें शीट में, तो इसमें इनफाइनाइट चार्ज, हमें इसका क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे Q inside by epsilon naught, Q inside में क्या होगा, ये एक मीटर है तो 100 सेंटीमीटर है, ठीक, तो क्वेश्चन में गिवन है पर सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है Q, तो 100 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है 100 टाइम्स Q, एक सेंटीमीटर का Q तो 100 सेंटीमीटर का 100 इंटू क्यू, आंसर इसके अंदर का चार्ज आ गया, आंसर आ गया।